हेलो गाइस दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से फुटर लाइन चलाएं या फुटर एनिमेशन को शो कराएं। दोस्तों मैं आपको बता दूं फुटर लाइन या फुटर एनिमेशन होती क्या है। तो दोस्तों आपने बहुत सारे प्रोफेशनल यूट्यूबर के चैनल देखे होंगे जहां पर वीडियो के नीचे लाइन या एक एनिमेशन शो होती है, जिनमें उनका इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर या यूट्यूब चैनल के अकाउंट का नाम होता है। इस प्रकार की जो लाइनें एनिमेशन शो होती हैं, अगर आप भी इस प्रकार के एनिमेशन अपने यूट्यूब वीडियो में चलाना चाहते हो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों लाइक के साथ साथ दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे भविष्य में आने वाली सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर दें। गाइस जैसे कि हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैंने अपना काइन मास्टर ऐप ओपन कर रखा है। तो दोस्तों अगर आपके पास काइन मास्टर ऐप नहीं है तो मेरी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको काइन मास्टर ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप काइन मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पर बीच में आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद 16 और ये 9 वाली रेशो वाला स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको एक वो वीडियो लेनी है जो कि मैंने YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, उस वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको YouTube वीडियो डाउनलोड नहीं करने आने तो वीडियोमेट ऐप से भी आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट कर रखे हुए वीडियो, तो यहाँ मैं एक्सपोर्ट से वो वीडियो ले लेता हूँ। ये मेरी वो वीडियो है, ये वाली, इस वीडियो को मैं ओपन कर ले रहा हूँ। ये वीडियो है तो ये वीडियो चालू हो रही है और ये इस प्रकार की वीडियो। बस केवल यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, केवल यहाँ पर आप अपना YouTube या अपना Facebook अकाउंट का नाम लिख सकते हो, और इस वाले में अपना YouTube चैनल का नाम लिख सकते हो, इस यहाँ वाले में आपको अपने Instagram का अकाउंट लिख सकते हो, और यहाँ पर अपने Twitter का अकाउंट लिख सकते हो। तो एनिमेशन किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये वीडियो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो समय पहले हम नाम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर जैसे हम स्लो चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, समय पहले हम जाएंगे इस पर लेयर वाले ऑप्शन पे। लेयर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, टी वाले ऑप्शन पे। क्लिक करने के बाद जैसे मैं अपने फेसबुक पेज का नाम लिख लेता हूँ, जैसे मेरे फेसबुक पेज का नाम है विनय VINAYSIR100 विनय सर 100 है, मैंने फेसबुक पेज के नाम लिख लिया। लिखने के बाद आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर लाने का थोड़ा सा इसको यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर ये एरो से थोड़ा इसको साइज इंक्रीज़ कर लेना है। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पर जाना है और क्लिक कर देना है, कहीं पे भी इधर साइड में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे अब हम इसको प्ले करते हैं वीडियो को, तो देखते हैं, और जैसे यहाँ से वीडियो जब चालू होती है थोड़ा सा हम आगे जाते हैं इस टेक्स्ट को, और जब यहाँ से वीडियो चालू होती है इस टैक्स वाले पे क्लिक करेंगे, टैक्स वाली लेयर पे क्लिक करेंगे। टैक्स वाली लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन आ जाएगा, एनिमेशन पे क्लिक करना है। एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पर एक एनिमेशन का ऑप्शन आएगा, समय नीचे आना, और यहाँ पर आ रहा है वाइप राइट पर क्लिक कर देना है, और वो ये राइट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप वीडियो को प्ले करना है इस प्रकार से, तो जैसे कि हमारी ये इस टाइप से चल रही है, और जैसे अब दोबारा से वीडियो को प्ले करके देखते हैं। अब यहाँ पर जब यहाँ से वीडियो जब बैक हो रही है, जैसे कि जैसे बैक होती है, देखो बैक हो रही है तो जो टैक्स रह जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी वीडियो को छोटा कर लेना है, स्मॉल, और स्मॉल करने के बाद जैसे हम प्ले करके देखते हैं हट गए, और यहाँ पर लास्ट में भी टैक्स पर क्लिक करना है, इसको हटा देते हैं। टैक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आउट एनिमेशन पे क्लिक करना है। आउट एनिमेशन पे जाकर आपको क्या करना है, सीधे नीचे जाना है, अब राइट था अब लेफ्ट, वाइप लेफ्ट पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक करना है। इस प्रकार से हम इसको प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है, और ये जैसे ही बैक हो जाती है। तो इसी प्रकार से आपको, जैसे अभी हमने फेसबुक पेज का नाम लिखा और हमने इसको चलाया, इसी प्रकार से आप YouTube का भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसी प्रकार से Instagram, और इसी प्रकार से आप Twitter का भी नाम लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से YouTube। तो दोस्तों अगर आपको सभी के नाम लिख लेना है इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से आपको एनिमेशन को चला लेना है, ठीक है। अब ये इस वीडियो को क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, जैसे कि अभी मैं सारे लिख लेता हूँ, और यहाँ पर शेयर का ऑप्शन होगा,
शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको फुल एचडी और फ्रेम रेट 30 पे क्लिक करके और उसको फुल कर लेना है और एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे कि मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ये मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हमें बैक जाना है, दोबारा से बैक, अब प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, ये वाली स्क्रीन ले लेनी है। स्क्रीन लेने के बाद आप आपको मीडिया पे जाना है, वो वीडियो लेनी है जो आपने अपने कैमरे से शूट करी है। तो मैं अपने कैमरे से जो शूट करी मैं वो वीडियो ले ले रहा हूँ, ये वाली वीडियो है, इस वीडियो को मैंने ले लिया। अब जैसे कि यहाँ पे हम हेलो गाइस दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो का मैं साउंड बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये साउंड ऑफ कर दिया। अब जैसे हम यहाँ पर एनिमेशन चलाना चाहते हैं, यहाँ पे जो अभी हमने एनिमेशन बनाई है, तो हमें उस लेयर को लेना है, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और जो हमने जो एक्सपोर्ट करी थी वीडियो उस वाली वीडियो को ले लेना है। इस मीडिया पे गए और हम जाते हैं, ये वाली हमने एक्सपोर्ट करी थी वीडियो, और इस वीडियो को ले जाते हैं, इस वीडियो को ले लेते हैं। ये वीडियो आ चुकी है, ठीक है। तो अब इसी वीडियो पे क्लिक करना है, इस वाली लेयर पे, निचले लेयर पे, निचले लेयर पे क्लिक करने के बाद ये नीचे जाना है और यहाँ पे आएगा क्रोमा की, इस पर क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये वीडियो मिलेगी, अब इसको जहाँ पर सेट करना है आप सेट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर सेट करना है, मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब इसे प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप दूसरी लेयर भी ले सकते हैं, ये यहाँ पर मैंने लेयर रख रखी है, या आप एक्सपोर्ट से भी लेयर ले सकते हैं, जैसे सारे वाली ये लेयर ले लेते हैं। जैसे फेसबुक पेज की, इस पर क्लिक करा लेयर पे और यहाँ पर गए आप क्रोमा की पे जाके इनेबल कर देना है, इनेबल करके ओके। अब इसको जहाँ मर्जी आप सेट कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा छोटा भी करना है तो इस एरो से जाके इसको छोटा भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आप प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। इस पे नाम नहीं लिख रखा था इस वाली पे, इस वाली पे मैंने नाम लिख रखा है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप वीडियो में इस प्रकार की एनिमेशन ट्विटर या फेसबुक पेज और या यूट्यूब अकाउंट के लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करने के साथ साथ दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे भविष्य में आने वाली सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और दोस्तों मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहता हूँ, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।